आज हम आए हैं कहाँ पे आए बताओ? संतोष जी की नर्सरी में और हाँ बख्शी बांध सब्जी मंडी के पास, सब्जी मंडी के पास मंदिर के भी पास। हाँ मंदिर के पास नई पानी टंकी बन रही है उससे पहले, पानी की टंकी जो है उससे पहले। तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक प्लांट्स हैं जिनको हम आपको आज दिखाने वाले, जो हमने पहले नहीं दिखाए। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, पर सारे नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ वो दिखाऊंगी जो आज तक मैंने नहीं दिखाए किसी भी वीडियो में। वो प्लांट जो रेयर प्लांट्स हैं, उसमें कुछ एवेन्यू ट्रीज भी होंगे, फ्रूटिंग प्लांट भी होंगे, मिक्स टाइप का जो है कलेक्शन है यहाँ पर, और मिक्स टाइप का ही कलेक्शन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और बेस्ट बात ये, इनके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी मैच्योर हैं, जो कभी भी आके शौक में मरने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे संतोष जी की नर्सरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलो खैर, आप देखते हैं कि क्या क्या है इनके कलेक्शन। तो यहाँ जो सबसे पहला पौधा जो मतलब मेरी नज़र में आया और मेरे को बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से पसंद था, वो ये है जकरांदा। और जकरांदा को शायद हिंदी में नील मोहर भी बोलते हैं, खैर नील मोहर है या ये जकरांदा इसका नाम होता है। और इसे जो ये ट्री के टाइप में बढ़ता है पौधा, बाकी प्रून करके आप इसे बोनसाई भी बना सकते हो। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, ब्लू क्या पर्पल जैसे फ्लावर्स आते हैं। और पूरा पौधा जो है जब स्प्रिंग टाइम में जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो बस फूल ही फूल नज़र आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ज़मीन जिनके पास है उनके लिए तो बहुत ही गजब का लगता है ये, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और ये यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का बहुत सही लग रहा है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्री टाइप का इसका बन जाता है, ये प्लांट है एरेथ्रीना करके इसका नाम होता है, ये काफ़ी बड़ा सा ट्री बन जाता है। खैर हम लोग इसे प्रून करके गमले में भी लगा सकते हैं, आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़े साइज का प्लांट है ये। और ये देख सकते हो इसका जो स्टेम है बहुत ही बड़ा है, इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपये, 250 रुपये में ये बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे जब आप लोग आओगे। पर है ये बहुत ही यूनिक सा प्लांट, बहुत ही रेयर सा मुझे लगा। और इसके जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसकी जो इमेज है मैं रेफरेंस के लिए अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। फिर संतोष जी की नर्सरी में ये आड़ू का पौधा भी था, और लेकिन ये क्लिप जो थी इसकी नर्सरी की वो मुझसे कहीं मिस हो गई है, बट मैंने ये प्लांट बाय किया है 250 रुपये का वो बोल रहे थे, बट ये मिला है हमें 200 रुपीज़ का। और इसमें फ्लावर्स भी बहुत ही प्यारे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे बॉन्साई बनाने के लिए सर्च करते रहते हैं, तो आप संतोष जी की नर्सरी से ले सकते हैं। ये कितने का है लतर वाला? ये लतर वाला हम 40 से 30 रुपये तक बेचते, ये 40-30 रुपये में लास्ट 30 रहता है 40 तक। अच्छा 40 का, हाँ ठीक है, लास्ट 30 रहता है। ये मौसमी का पौधा है, इसका प्राइस है 70 रुपये है और ग्राफ्टेड है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इसमें फूल आ गए, तो गमले के लिए लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और खुशबू कहाँ से आ रही है बहुत अच्छी, इसी की? हाँ लग तो रही है, लेकिन ये चमेली जैसी खुशबू आ रही है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़े साइज का कचनार है, और ये आप देख सकते हो 5 फीट का है, ये 5 फीट का कचनार का पौधा। कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का है, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में आप देख सकते हो। इसका मतलब आधा काम तो आपको किया करा है, बोनसाई एकदम बना पड़ा है ये पहले से ही, प्रून करके बहुत ही सुंदर सा बोनसाई बन जाएगा। 100 रुपीज़ का प्लांट है, 5 फीट का। कितने का रात की रानी? रात रानी बड़े पैकेट की 40 रुपये चल रही है, छोटे पैकेट पाउच की चल रही है, काली पैकेट की पॉलीथीन की वो 20 रुपये। छोटा पैकेट 20 रुपये का है, बड़ा पैकेट 40 रुपये का है। और ये है जूही, जूही आपका देसी जूही है, वो 20 रुपये की है, देसी जूही 20 रुपये की है, ठीक है। डबल जूही कौन सा है? ये आपकी डबल लगी है, ये डबल जूही है, डबल जूही ये कितने का? ये आपका 30 से 40 रुपये, 30 से 40 रुपये का डबल जूही है। कितने का है? सीडलेस नींबू है पतले छिलके वाला, सीडलेस नींबू है पतले छिलके वाला, जिसे कागजी नींबू, जिसे कागजी नींबू बोलते हैं, वो कितने का है? आपका 60 रुपये का, 60 रुपये का बड़े पाउच में जाएगा, बड़े वाले 80 से 100 में जाएगा। और वो कितने का है? फाइकस, फाइकस 40 रुपये का है, हाँ फाइकस 40 रुपये का है।
रुपए का रेट रहेगा इनका, 30 का रहेगा रेट, 30 रुपए का रेट रहेगा, 25-30 रुपए का इसका रेट रहेगा। ये जीनिया इन्होंने लगा दिए और इसके छोटे भी बनाने वाले हैं, एक दो दिन में ही छोटे वाले 10-10 रुपए में जो मिलेंगे वो छोटे पॉली बैग में इसी टाइप के प्लांट्स को लगाने वाले हैं, तो वो 10 रुपए में मिलेंगे। फिर यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये काफी ज्यादा मेडिसिनल यूज में आता है, अर्जुन का पौधा है, तो अर्जुन की छाल वगैरह यूज किया जाता है, काफी ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट सुनते आए हमेशा से कि इसमें अर्जुन के काफी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, बाबा रामदेव की मेडिसिन जो होती है उनमें अर्जुन की छाल का यूज होता है। तो ये पौधा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, काफी मैच्योर प्लांट है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर चीकू है, चीकू में भी फल लग रहा है, मेरा भी संतोष जी बहुत हो गए बिजी तो अभी रेट नहीं बता पा रहे। अर्जुन 30 रुपए का है, छोटा 120 का है, ये बड़ा वाला प्लांट है ये 250 रुपए का है। फिर यहाँ पर आपको कैलेंड्रा मिल जाएगा, बड़े पैकेट का है, ये 80 रुपए का है, छोटे पैकेट में भी होता है वो 50 का होता है ना, 50 का भी होता है, और ये बड़े पैकेट में है ये 80 रुपीज का कैलेंड्रा है। और ये कुफिया भी आपको मिल जाएंगे, कुफिया कितने के है, 30 रुपए के हैं कुफिया। फिर यहाँ पे हार श्रृंगार है, और हार श्रृंगार के ये जो पौधे हैं काफी मैच्योर हैं, तो इनमें ये कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं, हार श्रृंगार का आप देख सकते हो, ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा, तो इसमें फर्स्ट ईयर में ही फ्लावरिंग आ जाएगी। पूजा पाठ के लिए लगा सकते हैं, खाने के लिए अच्छा, पूजा पाठ और खाने दोनों के लिए, मतलब केला लगेगा इसमें, जमीन में तो ये 30 रुपए का है, इसमें कितना बड़ा सा ये बल्ब जैसा बन रहा है, काफी अच्छा प्लांट है ये, केले का गमले में देगा केला 30 रुपए में। केवड़े का पौधा भी है यहाँ पर, केवड़े के पौधे का प्राइस है 50 रुपए, और ये वो है ना, ये सिंदूर का पौधा है, कुमकुम का, हाँ कुमकुम का पौधा, ये कुमकुम का है, ये फालसे का है, अच्छा, मेवा फालसा, मेवा फालसा का कितने का है, ये है 40 का, ये है कुमकुम का, वो भी 40 का है, कुमकुम का भी 40 का है, ये तो बहुत बड़ा सा प्लांट बन जाता है। लहसुनिया लतर लगी है, लहसुनिया लतर कितने का है, 30 रुपए की, चाइनीज अमरूद है 30 रुपए का, 30 रुपए का चाइनीज अमरूद भी है और गार्लिक वाइन भी है, वो आपका लगा है टिकोमा, वो 30 रुपए, टिकोमा भी 30 रुपए का है, मोटा फूल आता है, सबसे मोटा फूल वाला मोगरा बेला भी 30 रुपए का है। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से लिलियम भी ले सकते हो, बल्ब आप देख सकते हो काफी बड़े साइज का बल्ब है जो कि ऊपर भी आ गया है, तो इसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 60 रुपए, 60 रुपए में आप यहाँ से लिलियम बाय कर सकते हो, काफी बढ़िया और हेल्दी कंडीशन में ये प्लांट। यहाँ पर ये देसी बेरी भी है, देसी बेरी मतलब देसी बेर का बहुत बड़ा सा प्लांट है, बहुत ही बड़ा प्लांट है, यहाँ से शुरू हुआ है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा है, 5 फीट से भी ज़्यादा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल इलाहाबाद में इलेक्शन है, तो जो लोग भी इलाहाबाद से हैं प्लीज़ वोट ज़रूर करना, सब लोग अपना वोट ज़रूर देके